मित्रों, दोस्तों एंड फ्रेंड्स, आज मंगलवार 9 अक्टूबर 2018 की शाम डायलॉग विद प्रोफ निर्मल गुप्ता में आप सभी का दिल से सादर अभिवादन, खुशामदीद एंड वेलकम करता हूं। पिछले हफ्ते महात्मा गांधी जी के 150वें और लाल बहादुर शास्त्री जी के 114वें जन्मदिन 2 अक्टूबर पर हमने जाना था कि क्यों हमारे देश के अधिकांश नागरिक देश के प्रजातंत्र में हर स्तर पर लगातार गिरती जनता की भागीदारी के कारण आशंका, भय और क्रोध की एक भयानक मनोदशा से गुजर रहे हैं और अब वे इसको फिर से रिस्टोर करने के लिए क्या कर सकते हैं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का उपाय बहुत ही साधारण था और वह था कि देश के सभी नागरिक सोच समझकर संविधान द्वारा दिए गए अपने बहुमूल्य सॉवरेन राइट यानी कि वोट अपने द्वारा अच्छी तरह से ठोक बजाकर अपने किसी जाने पहचाने कैंडिडेट को दें, ना कि किसी अनजान चमत्कारी कठपुतली पाज को। हमने ये भी जाना था कि जब तक देश के सभी नागरिक ऐसा नहीं करेंगे, भारत की आर्टिफिशियल डेमोक्रेसी में वे कभी भी अपनी जनतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। देश और देश के नागरिक राजनीतिज्ञों, उनके गिरोह और उन गिरोहों के सरदारों द्वारा पिछले 68 ईयर्स से ठगे जाते रहे हैं और यदि अब भी कुछ नहीं बदला तो हमेशा ठगे जाते रहेंगे। बात को आज की चर्चा पर लाते हैं। बड़ा ही विचित्र समय है। पिछले लगभग 6-7 महीनों से देश में चुनाव की केतली लगातार उबल रही है और उससे निकलती गर्मा गर्म भाप सभी को एक खास किस्म की गर्मी का एहसास दे रही है। हर ऐरा गहरा नथू खहरा इस बहस में लगा हुआ है कि भारत की अगली भाग्य विधाता सरकार और उसका मुखिया वह किसे नियुक्त करने वाला है और हर व्यक्ति अपने चॉइस को न सिर्फ सर्वोत्तम मान रहा है बल्कि वैचारिक और यहां तक कभी कभी अपनी शारीरिक क्षमताओं का भी भरपूर उपयोग करने से नहीं चूक रहा है। बड़ी ही विचित्र बात है और बड़ा ही विचित्र समय है। सारे देश में पहले शायद कभी भी ऐसा माहौल न बना हो और इसी के बीच शनिवार 6 अक्टूबर की दोपहर में अचानक से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देश के 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव की घोषणा भी कर दी है। गौर से देखें तो आप पाएंगे कि 2014 के आम चुनाव में सत्तारूढ़ सरकार और उसके अपोनेंट्स के बीच में बराबरी का मुकाबला नहीं था, इसलिए बहस कम और लहर ज्यादा थी। उम्मीदों से जुड़े चुनावी जुमलों की मानो सुनामी सी आई हुई थी और सब छोटे बड़े, अमीर गरीब, पुरुष महिला, हर वर्ग का वोटर एक खास किस्म की अफीम के नशे में बहा जा रहा था। आज एक बार फिर देश के नागरिक अपने चिर परिचित चुनावी चौराहे पर अपने वोट की आहुति देने के लिए खड़ा हुआ है और हमेशा की तरह उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे करना क्या है। मगर ऐसा तो हमेशा ही होता है, यदि 100% वोटर्स के साथ नहीं तो लगभग 30-40% वोटर के साथ तो ऐसा ही होता है। और यह वह लोग होते हैं जो मतदान में प्रयासों के बाद भी वोट न डालकर अपने गुस्से और लाचारी का इजहार करते हैं। अब कुछ तो बात है हमारे कर्णधार राजनीतिक पार्टियों और उनके द्वारा खड़े गए टट्टू कैंडिडेट्स के बीच में कि वे बहुतों को रास नहीं आ रहे हैं और शायद यही कारण है कि नोटा अब एक आकर्षक उम्मीदवार की तरह से उभर रहा है और उसको मिलने वाले वोटों का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। इसी वजह से सभी पार्टियों के आका और उनके सपोर्टर्स बहुत चिंतित हैं, इतने अधिक कि अपनी रातों की नींद गंवा बैठे हैं। आप सभी जानते हैं कि 2014 के आम चुनाव में सारे देश में पहली बार सभी वोटिंग मशीनों में जनता को अपने अपने क्षेत्र के सभी कैंडिडेट्स को नामंजूर कर देने के लिए नोटा का बटन एक ऑप्शन के रूप में दिया गया था। आप में से जिन्हें ना मालूम हो तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में PUCL यानी कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नाम की एक नागरिक स्वतंत्रता की एडवोकेसी करने वाली एक NGO द्वारा दायर एक याचिका और भारत गणराज्य के मध्य के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM में नोटा बटन जोड़ने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम अदालत ने अपने आदेश में उन 13 देशों के उदाहरण का हवाला दिया को किसी भी उम्मीदवार के लिए मतदान न करने का अधिकार उसके वोट देने के फंडामेंटल राइट्स के बराबर ही बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद भारत के कानून आयोग और चुनाव आयोग को मतदाताओं द्वारा सभी उम्मीदवार को अस्वीकार कर देने का अधिकार यानी कि नोटा के पक्ष में आना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तुरंत बाद सितंबर 2013 में तत्कालीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर संपत ने भारत के नोटा युग में प्रवेश का अनाउंसमेंट किया था और यहीं से शुरू होती है नोटा नाम के वर्चुअल कैंडिडेट की अप्रत्याशित प्रभावशाली यात्रा। हाल ही में हुए बहुत से विधानसभाओं और उपचुनावों के नतीजों ने पहली बार नोटा विकल्प की शक्ति को स्पष्ट रूप से देश के सामने लाया है और इस बात के अकाट्य सबूत दिए हैं कि नोटा देश में होने वाले किसी भी चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यही कारण है कि मुख्यधारा और सोशल मीडिया में इस बार वोट देने और नहीं देने या इसे दे या उसे दे से अधिक बहस इस बात पर छिड़ी हुई है कि पिछले 70 सालों से सभी राजनीतिक पार्टियों और उसके अच्छी तरह से जाने पहचाने भ्रष्टाचारी और आपराधिक ठट्टुओं को तो आजमा लिया, तब क्यों ना इस बार ईवीएम पर चुनाव चिन्ह के रूप में दिए गए एक नए कैंडिडेट यानी कि नोटा को ही वोट क्यों ना दिया जाए। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने नोटा के आदेश में यह भी कहा था कि जब राजनीतिक दलों को एहसास होगा कि बड़ी संख्या में लोग उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड उम्मीदवारों को ईवीएम पर दिए गए नोटा बटन को दबाकर रिजेक्ट कर रहे हैं, तब धीरे धीरे एक व्यवस्था परिवर्तन होगा और राजनीतिक दलों को अच्छे उम्मीदवारों को खड़ा करने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। यह और बात है कि ना तो ऐसा हुआ और ना ही अभी ऐसा होने की कोई संभावना नजर आ रही है। आप पूछेंगे, भला ऐसा क्यों? वह शायद इसलिए कि अभी नोटा के शुरुआती दिन है और नोटा वोट का प्रतिशत अभी उतना भारी भरकम नहीं हुआ है जितना कि आगे होने की संभावना है। नोटा की बढ़ती ताकत, उसके कारणों और आगे आने वाले समय में नोटा की हम सब के इमेजिनेशन से कहीं अधिक बढ़ते प्रभावों की आशंका के विषय में पिछले 28 अगस्त को डायलॉग नंबर 28 में मैंने डिटेल चर्चा की थी। आप चाहे तो उसे कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक नंबर 1 पर जाकर अपनी सुविधा अनुसार सुन सकते हैं। खैर, आज जब देश में नोटा के बटन के इस्तेमाल से अपने वोट का वेस्टेज साबित करने की जो एक गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई है, तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न मन में उठता है कि यदि नोटा का बटन नागरिक द्वारा दिए गए वोट का वेस्टेज है, तो आखिर उसे सुप्रीम कोर्ट, न्याय आयोग और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम पर दिया ही क्यों है? स्वाभाविक है, इसे नागरिक को भारत के पवित्र संविधान में दिए गए एक महत्वपूर्ण नागरिक अधिकार की शर्त को पूरा करने के लिए दिया गया है और वह है राइट ऑफ चॉइस एंड फ्री विल। तब भला कोई बताए कि संविधान द्वारा दिए गए नागरिक अधिकार का उपयोग वेस्टेज कैसे हो सकता है? कम से कम संवैधानिक तौर से तो नहीं। हाँ, मगर नोटा का बढ़ता प्रभाव चोर की दाढ़ी में तिनके का काम जरूर कर सकता है और शायद यह वह बखूबी कर भी रहा है। अब आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। गौर कीजिए और सोचिए कि मिड 70s तक हमारे देश में सिर्फ दो किस्म की कारें मिलती थी, हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर और इटली में स्थित फियाट कंपनी की 40 की आउटडेटेड टेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई प्रीमियर पद्मिनी। देश के अधिकांश लोगों को तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक एम्बेसडर नाम की डिब्बा कार में ही चला करते थे। मगर मिड 80s के बाद से जब एडवांस्ड जैपनीज एंड कोरियन टेक्नोलॉजी से विकसित कारें देश में बनने और इंपोर्ट होने लगी, तो एम्बेसडर और पद्मिनी कारों की अंत्येष्टि हो गई। यह है अवेलेबल चॉइस का प्रभाव और उसका मनोविज्ञान। 2013 तक देश के नागरिकों के पास चॉइस कम और लाचारी अधिक थी। वे मजबूर थे, शक्ल सूरत में अलग मगर राजनीतिक चरित्र में एक जैसी, अलग अलग पार्टियों के कुछ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के बीच में अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए। यह सिलसिला 1951-52 के पहले आम चुनावों से लेकर 2014 तक के 16th लोकसभा चुनाव तक चला आ रहा था। लाचार नागरिकों को बहला फुसला कर बरगला कर सिर्फ ये बताया जा रहा था कि नागरिक के पास सिर्फ वोट देने का अधिकार है और यही उसकी ड्यूटी भी है। हम और आप सभी इस बात को कार वाले उदाहरण से बड़ी आसानी से ये समझ सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं कि यह चुनने का अधिकार नहीं बल्कि मजबूरी में दी गई एक खानापूरी मात्र है ना? बड़ी अजीब बात। हो सकता है कि आप
सभी को मेरी आगे की बात सुनकर मुझ पर ही गुस्सा आ जाए, पर बस थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से गौर फरमाइए। आज सारा विश्व और स्वयं हम भी भारत के सभी वर्गों के नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता पर गर्व करते हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में अधिकांश नागरिकों में यह जागरूकता सिर्फ इलेक्ट्रोनल वोटिंग मशीन पर बटन दबाने तक ही सीमित है। इसका बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, जिसे इलेक्ट्रेट लिटरेसी कहते हैं, वह नहीं के बराबर है। ठीक उसी तरह जैसे भारत के अधिकांश ड्राइवर्स गाड़ी चलाना तो जानते हैं, मगर सड़क और ट्रैफिक के नियमों में रहकर नहीं, और परिणाम आप सभी देख रहे हैं। देश की सड़कों पर चलने वाले ट्रैफिक कैओस के रूप में समझ नहीं आता कि आप रोड पर चल रहे हैं अथवा एक अनियंत्रित भीड़ में अपनी गाड़ी नेगोशिएट कर रहे हैं। सभी इस बात को लेकर कोस रहे हैं, अपने और अपनी गाड़ियों को ठुकवा रहे हैं, जान की बाजी लगाकर काम पर पहुंच रहे हैं या लौट कर घर वापस आ रहे हैं, बस इससे अधिक कुछ नहीं। और बस यही हुआ है भारत के प्रजातंत्र के साथ। वोट की प्रक्रिया एक सीरियस प्रक्रिया है। सिर्फ पढ़ लिखने से, डॉक्टरेट आदि कर लेने से, अपनी सरकार बना लेने की गंभीर प्रक्रिया का समझ आने से इसका कोई संबंध नहीं है। इंसिडेंटली इस विषय पर महात्मा गांधी और शास्त्री जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर पर मैंने अपने डायलॉग नंबर 37 में विस्तार से इसकी चर्चा की थी। आप चाहें तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखे दूसरे नंबर के यूट्यूब लिंक को क्लिक कर अपनी सुविधा अनुसार कभी भी सुन सकते हैं। बात कर रहे थे इलेक्ट्रेट लिटरेसी की। बात यह है कि कलेक्टिव विजडम के सिद्धांत पर चलने वाले हमारे संविधान को बनाने वालों ने शायद कभी भी यह नहीं सोचा था, और ये शायद उनकी भूल ही थी, कि आने वाले समय में इतने वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी से लड़ने के बावजूद वे नहीं जान पाए कि लालच और शक्ति का कॉकटेल भ्रष्टाचार को और संस्कार रहित लोगों द्वारा सत्ता से मदमस्त अपराधियों की नागरिक सभाओं में किसी भ्रष्टाचारी तानाशाह को भी जन्म दे सकती है। ठीक उसी तरह जैसे कौए के कौए ही पैदा हो सकते हैं, कोयल नहीं, भले ही कोयल गफलत में कौए के अंडे सेती रहे। यहाँ तक यह तो समझ आ गया कि वोट देने और अपने प्रतिनिधि को चुनने की जिम्मेदारी निभाने में जमीन और आसमान का अंतर है, मगर यह मालूम करना भी आवश्यक है कि इस अंतर को समझने की जिम्मेदारी नागरिक कैसे निभा सकते हैं, और इस बारे में कोई भी मतभेद होना सरासर मूर्खता होगी कि कोई यह कहे कि यह बात नागरिकों पर छोड़ देनी चाहिए। और यह कि हमारे देश के नागरिक बहुत पॉलिटिकली एनलाइटन्ड हैं, और वे जानते हैं कि वे किसे चुन रहे हैं और क्यों चुन रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जरा इस बात पर गौर कीजिए, आप कितने ही समझदार और एनलाइटन क्यों ना हो, क्या आपको नशे का इंजेक्शन लगाकर आपसे कुछ भी करवाना संभव नहीं है? उसके लिए क्या आप जिम्मेदार होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून भी नशे और मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति द्वारा की गई हत्या को आईपीसी की धारा 304 के तहत एक्सीडेंटल डेथ की सजा सुनाती है, हत्या की नहीं। ठीक इसी तरह आज देश के जनतंत्र को शक्ति और धन के लालच से ब्रेन वॉश्ड, महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं में पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटेलेक्चुअल्स की घुसपैठ, और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में फेक और टारगेटेड इंफॉर्मेशन की कारपेट बॉम्बिंग कर करके सामान्य नागरिक को संविधान में दिए गए अपने प्रतिनिधि को चुनने की प्रक्रिया और जिम्मेदारी को ना सिखाकर गुमराह कर पार्टी सिंबल, उससे जुड़ी किसी महान विभूति और विरोधियों को देशद्रोही या मानसिक रूप से दिवालिया पेश करके गांव, कस्बों और मोहल्लों में होने वाली वोटिंग को प्रभावित कर रिपब्लिकन डेमोक्रेसी का मर्डर ही कर दिया है। और अब देश के नागरिक रिपब्लिकन डेमोक्रेसी की अर्थी अपने कंधे पर उठाए प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। यह एक बहुत ही दुखद स्थिति है। दिल और दिमाग दोनों ही इस बात पर विश्वास तो नहीं करना चाहते, मगर लगता है कि मानो एक भयानक असंवैधानिक महामारी से देश के हर नागरिक को इन्फेक्ट करने की एक खतरनाक साजिश सी चल रही है। अब समय आ गया है कि देश का हर नागरिक सबसे पहले खुद समझे, और जो नहीं समझते हैं उन्हें भी समझाए। वह नहीं जो मैं या कोई और कहता है, बल्कि वह जो इस देश का पवित्र संविधान कहता है। पहली बात है कि नागरिक का वोट डालना एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। यह बात कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से स्पष्ट है। दूसरी बात, नागरिकों को ध्यान रखना होगा कि संविधान में हर नागरिक से बस यही उम्मीद की गई है कि सभी नागरिक पंचायतों से लेकर
राज्यों की विधानसभाओं और देश की संसद तक सिर्फ और सिर्फ अपना प्रतिनिधि को चुनकर भेजें, न कि किसी सिंबल पार्टी या उसके आकाओं द्वारा चुने गए छद्मवेशी टट्टुओं को। क्यों? वह इसलिए कि जब आप अपने द्वारा ठोक बजाकर आपकी और आपकी समस्याओं को नजदीक से जानने वाले श्रेष्ठ प्रतिनिधि को चुनकर भेजेंगे, फिर वे चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, तो वे आपकी और आपके क्षेत्रों की जरूरतों को रिस्पेक्टिव प्रतिनिधि सभाओं में उठाएंगे। और जब सभी अच्छे प्रतिनिधि ऐसा करेंगे तो देश की समस्याओं का अच्छे से अच्छा हल तो निकल ही आएगा। नागरिकों को अपने क्षेत्र से बाहर के किसी भी कैंडिडेट अथवा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में प्रभावित नहीं होना चाहिए। कुछ डिबेटर्स इस तरह के वाद विवाद को करते समय यह भूल जाते हैं और कहते हैं कि यदि सभी इलेक्टेड प्रतिनिधि इंडिपेंडेंट हुए तो राज्यों और देश की सरकार कैसे बनेगी। तो उनके लिए मेरे पास सिर्फ एक काल्पनिक नहीं बल्कि सॉलिड एग्जाम्पल है, और वह है कि हमारे देश की 1951-52 की पहली सरकार और उसका कैबिनेट, जहां विरोधी विचारधाराओं और दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले जनसंघ के श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई थे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के श्री अम्बेडकर देश के कानून मंत्री और देश के रक्षा मंत्री थे पंथिक पार्टी के सरदार बलदेव सिंह। यह और बात है कि धीरे धीरे सत्ता का जहर व्यक्ति पूजा और पार्टी आधारित चुनावी हथकंडों के घमासान के चलते प्रजातंत्र को एक तरफ रखकर सभी अपने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की अफीम से सराबोर होकर वोट बैंक बनाकर एक दूसरे से लड़ मरने के चक्कर में प्रजातंत्र और नागरिकों के हितों की बलि ही चढ़ा बैठे, मगर उसके पीछे छिपी थी इनकी पार्टीबाजी। और यही पार्टीबाजी आज इस देश में सर चढ़कर बोल रही है। इस बात का दुख उस समय तक उन सभी को भी था, और वे समय समय पर अपने प्रजातांत्रिक संस्कारों से लड़ा भी करते थे, मगर अक्सर हार जाते थे अपने सेल्फिश पॉलिटिकल मोटिव्स के आगे। आज ना तो वो मॉरल कॉन्शियंस रहा है और ना ही संस्कार। अब तो सिर्फ सत्ता और शक्ति के लालच की अफीम खाए सभी राजनीतिक पार्टियां इस महान देश को उसकी कॉन्स्टिट्यूशनली इग्नोरेंट और इलिटरेट जनता को पता नहीं किस युग की तरफ धकेले चले जा रहे हैं। ऐसा ही हुआ होगा द्वापर के कलयुग में प्रयाण के समय, जब श्री कृष्ण की मृत्यु से पहले सारे यदुवंशी एक दूसरे को मरने मारने के बाद ही शांत हुए थे। तीसरी बात पर आते हैं। तीसरी बात यह समझने की है कि आपका वोट आपकी चॉइस है, और वह आपका पूरी तरह से व्यक्तिगत और संवैधानिक राइट है। वह किसी के भी द्वारा किसी भी प्रकार से ना तो इन्फ्लुएंस किया जा सकता है और ना ही उसे इन्फ्लुएंस किया जाना चाहिए। इस बात से मेरा मतलब है भुलावों, झांसेबाजी, सौगातों, वायदों और रुपए पैसे से संबंधित लोन माफी, कंप्यूटर और मोबाइल इत्यादि के लालच, राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर के धार्मिक और विदेश नीति से संबंधित घोषणाओं से है, क्योंकि वे सिर्फ जुमलेबाजी होती है। राज्य अथवा देश की नीति हो ही नहीं सकती, क्योंकि नीतिगत घोषणाएं सिर्फ हमारे द्वारा चुनी हुई सरकारें ही कर सकती हैं। पार्टियों और उनके टट्टू और यहाँ तक कि उनके शक्तिशाली आकाओं को भी ऐसा करने का कोई भी लीगल और संवैधानिक अधिकार नहीं है। इस बात के गैर कानूनी होने का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी लेना चाहिए, मगर समझ नहीं आता कि वे ऐसा क्यों नहीं करते। हाल ही में राजस्थान में बनी एक नई पार्टी ने एक विचार फ्लोट किया है, और वह है कि उनके इलेक्टोरल कैंडिडेट्स और उनकी पार्टी कोर्ट में अपने मैनिफेस्टो एक टाइमलाइन तय कर एक एफिडेविट पर लिख कर देंगे, जिसके पूरी नहीं होने या पूरे नहीं होने की दिशा में उनकी सरकार को बर्खास्त किया जा सकेगा। भगवान जाने सच क्या है, वो तो समय ही बताएगा। चौथी बात है, संविधान के अनुसार आपका प्रतिनिधि सिर्फ एक साकार नागरिक ही हो सकता है, अतः कोई भी पार्टी या उसके आका किसी भी नागरिक प्रतिनिधि को कंट्रोल करने से पूरी तरह से बाधित होने चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। 1985 के दल बदल कानून के तहत वे हमारे प्रतिनिधियों को देश की विधानसभाओं और संसद में कंट्रोल करते हैं। यह पूरी तरह से एक गैर कानूनी कानून है जिसका कि रिव्यू होना आवश्यक है। पांचवी और अंतिम बात है कि यदि आपको अपने क्षेत्र की ईवीएम मशीन पर कोई भी उचित प्रतिनिधि नजर नहीं आता है, तो पिछले 68 ईयर्स से एक जली जलाई रोटी को हमेशा की तरह ना पलटते हुए आप सभी को रिजेक्ट करने के संविधान के अधिकार का उपयोग नोटा बटन को दबाकर करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि ऊपर से देखने में कुछ भी लगे मगर अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि इन सभी पार्टियों में एक खास किस्म की इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है कि एक बार तुम जीतो और अगली बार हम। जीते कोई भी मगर जीतने के बाद सभी एक दूसरे का ख्याल ठीक वैसे ही रखेंगे जैसे कि मानो सभी सत्ता में हैं। बस वर्बल वॉर और इंटरनल लव अफेयर का ये टैंगो डांस लगातार जारी रहता है। आप ही बताइए हर स्तर पर होने वाले हर चुनाव में कितने गंभीर आरोप सभी उम्मीदवार और उनकी पार्टियों के आका एक दूसरे पर लगाते हैं मगर चुनाव के पूरा हो जाने के बाद कितनों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती है। आज भारत का जनतंत्र जिस दो राहे पर खड़ा है वहां से यह स्पष्ट नजर आता है कि शायद ये देश का आखिरी वह चुनाव होगा जब देशवासी या तो प्रजातंत्र की ट्रेन को सही दिशा में मोड़ सकेंगे और नहीं तो अब चाहे आप इसे बुरी भविष्यवाणी ही कह लीजिए उसमें भी कोई हर्ज नहीं कि उसके बाद हमारा देश एक भयानक कंगाली और तानाशाही की तरफ बढ़ते जाने वाला है। चर्चा अब काफी लंबी हो चुकी है इसलिए आप सभी को साधुवाद कि आपने इन सब तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुना और अब इन सब तथ्यों को समझते हुए अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में कुछ चिंता करते हुए आप स्वयं विचार कीजिए। मेरी बातों में न जाकर अपनी आत्मा से वाद विवाद कीजिए, अपना एक स्वतंत्र निर्णय बनाइए। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले हमेशा की तरह एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं, अगले मंगलवार की शाम को हम एक बार फिर मिलेंगे डायलॉग विद प्रोफ निर्मल गुप्ता में और बात करेंगे फिर से एक कंटेम्प्रेरी इशू पर आज के राजनीतिक परिदृश्य को सामने रखकर मगर बिना किसी पार्टी या विचारधारा से प्रभावित हुए बिना। मैं दिल की गहराइयों से यह उम्मीद विश्वास और एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप आज की चर्चा पर अपने परिवार और साथियों के साथ विचार करेंगे, अपना एक स्वतंत्र निर्णय बनाएंगे और भारत के पवित्र संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और राष्ट्रभूमि में जनतंत्र के स्थापना और प्रसार के महान प्रयास में अपना योगदान करने की बात सोचेंगे। शुक्रिया कहते हुए आप सभी सुनने वालों से विदा लेता हूँ। शुभरात्रि, शब खैर एंड गुड नाइट। जय हिंद।